पीछे देखो पीछे देखो पीछे देखो पीछे देखो भाई, चलो 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 पीछे चलो पीछे पीछे, अरे पीछे चलो पीछे चलो पीछे, संजय तो लो, अरे हमारी तो ये क्या है, कौन एक्टर है? ये एलबी शाह। अरे पीछे देखो रे, ओके सो मिस्टर एलविश यादव इज देयर, ही वुड बी कैप्टनिंग एज यू ऑल सेड फाइव द फ्रॉम द ऑडियंस टीम हरियाणा, टीम हरियाणा, तो मैं उसका कैप्टन भी हूं, ओनर भी हूं, और उसका टीम का असली नाम है हरियाणवी हंटर्स। और उससे पहले हमने सोचा था कि इसका नाम रखेंगे हरियाणवी मॉन्स्टर्स, बट वो थोड़ा ना सूट नहीं कर रहा था, वो थोड़ा ज़्यादा रियल हो रहा था, तो हमको थोड़ा फिक्शन में जाना था, इसलिए हरियाणवी हंटर्स। तो थैंक यू सो मच भाई, और जितने भी लोग आ रखे हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा छोटी सी कि क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछना, और बहुत लोगों के फेसेस से मुझे पता लग रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस लेके आए हो आप लोग, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच। मिस्टर सोनू शर्मा, एंड कैन यू जस्ट गेस हिज टीम, एनी गेसेस? Sharma to come here and speak few powerful words on ECL. Thank you. Good afternoon everybody. बहुत-बहुत शुक्रिया अनिल और पूरी टीम का यार, मतलब मुझे क्या किस दिशा में बात करनी है? ECL. अच्छा कुछ भी यार, अभी तो अपने को खुद भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, मतलब अनिल ने अपने पिटारे में क्या क्या छुपा रखा है वो धीरे धीरे बता रहा है हमारे को। अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि ये एक माइलस्टोन लीग हो सकता है अगले कुछ 3-4-5 महीने के अंदर, जिस तरीके से अनिल इसको डिजाइन कर रहे हैं और अनिल के पार्टनर इसको डिजाइन कर रहे हैं, और जिस तरीके का ये पूरा का पूरा ऑरा क्रिएट हो रहा है, आप सब लोग यहाँ पर हैं ही, आज की डेट में हम सबको पता है कि सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा बॉम्ब है, और ये फटेगा अगले 1-2 महीने के अंदर, तो इसकी रेडिएशन कहाँ कहाँ जाएंगी अभी तो हमें को भी नहीं पता, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अपनी टाइप का एक बड़ा लीग बनाएं, जहाँ पर सारे इन्फ्लुएंसर एक छत के नीचे आएं, और सब लोगों का पैशन है क्रिकेट खेलना, मौका मिल रहा है दोबारा से अपने पैशन को जीने का, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचती है कहानी। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत आभार, आप लोग आए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू। So any guesses who would be the next team captain who would be coming here on the podium? Guess तो करिए, इतनी live audience बैठी है और सब आराम से बैठे हुए हैं, चाय पी है ना आप सभी लोगों ने? Okay, any other guesses? I think some of the people have good guesses. Okay, so our next team captain is Munawar Farooqi. And any guesses which team he would be representing? Mumbai. With a combined following of 15 million on YouTube and Instagram, Munawar Farooqi has carved a path through humor and resilience and has become a name synonymous with thoughtful stand-up comedy in India.
Rising from humble beginnings in Gujarat, his sharp wit and introspective observations on life have resonated with millions. His talents extend beyond stand-up, with his captivating performances and introspective lyrics translating into hit songs like Khwaish and Dhando. Victories on reality shows like Lock Up and Big Boss further solidified his place in the spotlight, showcasing his versatility as a performer. So, let's see his slide now. Yeah. So I would like to invite Mr. Farooqi on stage. On stage here and speak a few words on ECL. Hello, hello, good afternoon. कैसे सब लोग? ठीक है. Thank you so much. पहले तो ECL definitely एक ऐसी चीज होने वाली है जिसको मैं कैसे ही बता, मतलब आपको जाहिर ही है क्या होने वाला है. तो डेफिनेटली क्रिकेट इंडिया में, अगर हम बोलते हैं कि बॉलीवुड से इंडिया में, इंडिया हर चीज में बॉलीवुड है बॉलीवुड है, तो सेम टाइम में ना क्रिकेट के साथ भी हमें पता है कि हम इंडिया में क्रिकेट को कितना प्यार करते हैं. और यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे भी हाथ भी रेस करेंगे तो सबने क्रिकेट खेला है. गली में हम सबने क्रिकेट इतना खेला है, और जिन्होंने खेला नहीं उन्होंने इतना देखा है. तो हम लोग क्रिकेट से बहुत कनेक्टेड है. और मुझे बचपन से, मैंने बहुत वक्त बर्बाद इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, बट मैंने बहुत क्रिकेट को वक्त दिया और मैं बहुत क्रिकेट खेला है मैंने. बट मुझे फाइनली इतनी खुशी हो रही है कि अभी मैं क्रिकेट एक नेक्स्ट लेवल तक खेल पाऊंगा जहां पे लोग देख सके. और ECL ने जो एंटरटेनमेंट लीग ही है, जो अपने आप में मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट क्रिकेट ये सारा कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होने वाला है. और बहुत एक्साइटेड हूँ कैप्टन वगैरह को भी देख कर मैं, कि मजा आएगा. Thank you. So, time for another captain, and I hope taken the online world by storm. His infectious humor, crazy challenges, and surprising acts of generosity have audiences hooked. But Fukra Insan's talent are limited to viral pranks and social experiments. He's a rising music star too. His catchy tunes like the 21 million smash hit Big Life have garnered him a loyal fan base. Fukra Insan has belted out other hits like Tum Mere, Din Te Raat, Ranjha and Mere Yara, proving his musical versatility. Further solidifying his fame, Fukra Insan even made it to the finals of the hit reality show Big Boss, showcasing his personality and charisma to the national audience. He's a true multi-hyphenate, a social media sensation and a musical soul. So let's hear for Fukra Insan. Thank you.
Thank you very much. And I would like to invite Mr. Abhishek on stage and say a few words on ECL. Hello, hello everyone. सबसे पहले मेरे को बताया नहीं गया था मेरे को यहाँ के कुछ बोलना है बट जब ECL का फर्स्ट थॉट निकला था एंड हिमांशु भाई से मेरी बात हुई थी तो हिमांशु भाई ने बोला ऐसे यूट्यूबर्स का सेलिब्रिटीज़ का सब इन सब का क्रिकेट लीग बनाते हैं तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो हम सब ने खेला है इन सबको लगता है ना यार एक प्लेटफॉर्म मिल जाए मतलब बचपन में तो हर इंसान उठता है और वो कहता है मैं क्रिकेटर बनूंगा फिर धीरे धीरे उसकी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है क्योंकि पता चल जाता है कि कॉम्पिटिशन बहुत है बट आई एम ग्लैड कि दिस इज फाइनली हैपनिंग और ये हिमांशु भाई और अनिल भाई का सपना था कि ये करना ही करना है और ये दोनों खुद भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और मज़ा आएगा कैप्टन्स यहाँ पर अपने दोस्त है एलविश और मुनावर भाई को फर्स्ट टाइम में मिला यहाँ पर तो इट्स इवेंटफुल बहुत मज़ा आने वाला है सबके साथ खेलने में सबकी टीम्स देखने में कैसा रहता है कैसा होगा एंड आई होप बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट होए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच So guys, we have the four captains, but two of the captains couldn't make it today. Another captain for the team is Harsh Benival. He's captaining Team Punjab. So I'll just tell you a few little introduction about him. He's from Viral Vines to Bollywood Dreams. Harsh Benival has become a multifaceted entertainer in the Indian spotlight. With over 15.2 million loyal subscribers hanging on to his every comedic skit and social experiment, Benival's infectious humor and relatable characters have taken YouTube by storm. Being a web sensation is one chapter in his story. He also dipped his toes into acting by making his debut in the hit film Student of the Year 2. Playing the bites from these two captains. Guys, can we have the bites, please? I don't have. Hello guys, तो अब मैं fantasy cricket की दुनिया से हटकर real cricket की दुनिया में भी आ रहा हूँ. जी हाँ, मैंने भी entry ले ली अपनी entertainers cricket league में और मैं भी चुना गया हूँ एक captain के तौर पे. तो fantasy cricket की दुनिया की जो जिम्मेदारी उसको संभालते संभालते अब real cricket की दुनिया की जिम्मेदारी संभाल ली है. I am very excited. और अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं पाया उसके टूर्नामेंट के लॉन्च इवेंट पे क्योंकि मुझे गांव आना था और गांव आया मैं पूजा के लिए और हमारे यहाँ भाई पूजा पाठ कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहले से ही तय था तो मैं आ नहीं सका उसके लिए सॉरी बट यस आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड और जल्दी ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो और सबके सिस्टम हम हैंग करते हैं Have the another bite? Yes.
Hey guys, I'm really sorry यार, मैं आ नहीं पाया क्योंकि मेरी वेब सीरीज का शूट चल रहा था, बट आई एम सो एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ ECL एज अ कैप्टन ऑफ टीम पंजाब. तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा अपने दोस्तों को हराने में. और इन सब की गेम तो देखी थी मैंने यार, क्रिकेट खेलते हुए इनको, तो बहुत ईजी भी हो जाएगा मेरे लिए. तो गाइस मिलते हैं जल्दी फील्ड पे एंड लव यू गाइस. Okay, we are delighted to have such diverse group of media today. So I am opening the floor for questions, but please make sure do not ask anything personal. We would not be entertaining any personal questions today. Only the questions related with ECL. Yeah. Who would like to ask any questions? Yes. Hi, Mayur here from Beyond Bollywood. Congratulations to the founders and to all the captains. I just have a small two or three questions. Firstly, to the founders, there's a very saying, a horses for courses policy applies to, I think, any field. So this very idea of picking up social media stars, is it more appropriate to call it like a social media cricket league than an entertainers cricket league? And is it just like a, does it promote the sport? Cricket doesn't need to be promoted, to be honest, but I wanted to know your perspective. I think because we had some web series in the past, which one of the OTT networks had roped in all the popular OTT stars, and I think that had its own journey and its own result. So I just wanted your thoughts firstly on this aspect. Is it working? Yeah. So basically, coming to your first point, like where you mentioned why these guys, why we chose these guys. Basically, as everyone mentioned, like they love the sport and most of them wanted to be cricketers themselves and they play really good cricket, which we have seen. So that's the main perspective of getting all these creators who were like who wanted to be cricketers but lost the love because of too much of competition in our country. Like all of us sitting here, including both of us, we also wanted to be cricketers while growing up, but ho nahi paya, and with the stage, with the audience which we have, and the audience also wants to see them play something cricket or whatever. Like we have seen events where creators have played kabaddi and other sports. Also cricket has been there in multiple vlogs of Elvish, Abhishek and everywhere. So we have seen the love for the game with the audience, and that's the sole perspective of this getting these guys on board and doing the league. My question, like all four captains can say, social media, obviously I think it's the most happening thing in the world today, and you guys are social media stars. Aur lekin kabhi kabhi aise bhi sunne aata hai ki aisa bhi perspective hai ki social media ki jo zindagi hai wo sirf 4 din ki chandni hai. तो इस चीज पे आप चारों कुछ कहना चाहेंगे, स्टार्टिंग विद मुनव्वर प्लीज. जैसे बोलते 4 दिन की चांदनी है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं बोलते, हर चीज के लिए बोलते हैं. आप ज्यादा खुश भी हो जाओ तो आपको जो खुश नहीं देखना चाहते वो यही बोलेंगे कि 4 दिन की चांदनी हो, जो आपको खुश देखना चाहते वो शायद ये ना कहें. एंड आई थिंक सोशल मीडिया पर वायरल होना और रेलेवेंट रहना दो अलग अलग चीजें हैं. हमने बहुत सारे आने वाले 10-15 गए हुए 10-15 साल में देखा है कि कोई आंख मार के फेमस हुआ है, वायरल हुआ है, तो कोई एक उसके चिल्लाने के स्टाइल की वजह से फेमस हुआ है, अलग अलग डिफरेंट देखे. बट जब कोई भी एक वायरल होता है ना, तो वो कुछ सच में आप जो कह रहे हो 4 दिन की चांदनी होती है. बट यहाँ पे हम लोग जो इतने साल से अगर कर रहे हैं या और अलग अलग डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक आर्ट फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं या टैलेंट के थ्रू कर रहे हैं कि सिर्फ हम कोई एक, वो बोलते हैं ना कि झटके से बन नहीं गए या एक चीज़ लोगों को नहीं पसंद आ गई या कुछ, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें करी है जिसकी वजह से लोगों ने पसंद किया है. और जितने भी सोशल मीडिया स्टार कहो या क्रिएटर्स कहो जो रोज़ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, उनकी 4 दिन की चांदनी कभी नहीं होगी. Hope you got the answer. I asked all 4 of them. If Elvish and others can add, it would be wonderful. Okay. नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया की लाइफ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. देखो मेरे केस में मैं अपने में बता सकता हूँ कि 4 दिन की चांदनी भी है, अंधेरी रात भी आती है, उसके बाद फिर 4 दिन दोबारा अच्छे आते हैं और फिर 4 दिन फिर अंधेरी रात आ जाती है. तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से,
बट मुनावर ने भी सही बोला कि जो लोग इंस्टेंट वायरल होते हैं एकदम से जो ऊपर जाते हैं उनका उनका डाउनफॉल भी उसी टाइप से होता है, मतलब कि एकदम से सबकी लाइमलाइट में आ गए और फिर जिन्होंने जो मेंटेन नहीं करते अपने आप को, जो मेहनत नहीं करते, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं क्रिएटर्स में, हमको टाइम हो गया, मैंने 2016 में स्टार्ट करा, अभिषेक ने मेरे हिसाब से उसी के आसपास कहीं स्टार्ट करा, तो हमने ग्रोथ देखी है धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि एकदम से पीक आ गया, तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे हैं और भगवान ना करे कि कभी नीचे आए हम लोग, बट ऐसा होता नहीं, आएंगे बट हमारी जो नीचे आएंगे वो भी धीरे धीरे ही होगा। तो चार दिन की चांदनी सबके लिए वैलिड नहीं है, मेरे लिए तो है। देखो हेलो, आपका नाम क्या है भैया? मयूर। मयूर? या मयूर, ये मुहावरा तो अच्छा है यार, और ये बार बार याद दिलाते भी रहना चाहिए ताकि आदमी अपने पैरों पे खड़ा रहे। आई वेंट टू कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स, आई एम वर्किंग विथ 200 प्लस कॉर्पोरेट ऑफिसेस, इंडिया टॉप मोस्ट ब्रांड्स, और कॉर्पोरेट में हमारा एक मैं एक लाइन बोलता हूँ कि इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप, कि आपकी कमाई कभी औकात से ऊपर आती नहीं है, कभी कभी तुक्के से ऊपर चली जाती है, अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो वो लौट के वापस आ जाती है जहाँ से आपने शुरुआत की होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे भाई बार बार याद दिलाते रहें कि भैया अगर ठीक से काम नहीं किया तो चार दिन की चांदनी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच यार, और जो लोग ठीक से काम नहीं करते, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई नहीं करते, उनके लिए चार दिन की चांदनी होती ही है, लेकिन ये डायलॉग बार बार याद दिलाता रहता है उन लोगों के लिए जिनके चार दिन की चांदनी होगी है, ताकि उनसे सबक ले लें और बाकी लोगों के लिए चार दिन की चांदनी ना हो। थैंक यू मयूर। वंडरफुल। हेलो हेलो, सो बेसिकली मेरा टेक इस पे कुछ ऐसा ही है कि लाइक इवेंट्स लाइक दिस जो ECL है, ये दिस काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, लाइक एक डिफरेंट जॉनर ऑफ ऑडियंस को और रीच करने में हेल्प करती है, एंड मतलब इट्स लाइक सब कुछ आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग एवरी टाइम सेम थिंग ऑन द टेबल, ऑब्वियसली अ टाइम विल कम व्हेन द ऑडियंस गेट्स बोर्ड एंड दे विल बी लाइक बस भाई इसको मैं कितना देखूँ, चार दिन की चांदनी, तब मेरे को लगता है वो वैलिड होता है। बट व्हेन यू कीप ऑन ट्राइंग न्यू स्टफ, आप नई नई चीज़ें ट्राई करते हो, नई नई ऑडियंस को रीच आउट करना चाहते हो, अब इट्स लाइक अगर हम बिग बॉस में गए, बिग बॉस के बाद हम इधर आए ECL में आए, एंड ऐसे जब हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम करते रहते, तो आई फील एक लॉन्ग टर्म रेलिवेंसी और एक लॉन्ग टर्म लोगों को कुछ नया मिलता रहता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल ये इवेंट के लिए भी, बिकॉज दीज काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू लाइक गेट न्यू ऑडियंस एंड टू ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर आर ऑडियंस। मतलब किसी ने हमारे अगर व्लॉग्स में देखा होगा, बट उन्होंने कभी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखेगा हमें, तो जब ये मैचेस होंगे तो उसमें एक डिफरेंट साइड बाहर आना कि भाई अच्छा ये क्रिकेट भी खेलता है और क्रिकेट को लेके ये इतने पैशनेट है। तो जब आपको ऑडियंस एक पूरे उस रोल में भी देख लेती है ना कि अच्छा इसका ये साइड भी है, तो आई फील वो चीज़ें और हेल्प करती हैं। और बाकी अगर वो जैसे मुनावर भाई और एलविश ने बात बोली कि वो जो एकदम स्पाइक ग्रोथ होती है, वो ऑब्वियसली वो कभी वो स्पाइक ही आता है लाइफ में, वो उसके बाद उसका डाउन ही आता है। और बट मुझे ऐसा लगता है जितने भी क्रिएटर्स यहाँ बैठे हैं, और सर मैंने इतने टाइम से इनको देखा है, सो सब ने अपनी ऑडियंस धीरे धीरे विद टाइम बिल्ड करी है, और इंडस्ट्री में चार दिन से तो ज़्यादा सबको हो गए। तो आई फील हाउ इट इज। ग्रेट, सो एनी अदर क्वेश्चन? जो सवाल है वो मुनव्वर फारूकी से है, क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल किया है वो हमारे सामने है, बहुत बुरा दौर भी इन्होंने देखा कि किस तरीके से लोगों ने नज़रअंदाज किया। तो मैं मुनव्वर फारूकी से सवाल करना चाहता हूँ कि अब ज़िंदगी के जिस प्लेटफार्म पे आप खड़े हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है, और आप युवाओं को क्या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़ें? वो हिसाब से मेरी, मुझे लगता है वो हिसाब से मेरी पाँचवीं छठी चांदनी रात चल रही है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जब ये दिमाग में रखते हैं कि जब हम लोग वो वक्त से गुजर रहे थे वो पता नहीं था, अभी पता चल रहा है कि अरे वो वक्त बुरा था, उस वक्त में भी कंफर्टेबल थे बिकॉज लगता था यही ज़िंदगी है, बट हार्ड वर्क कभी नहीं रुका, उसकी जिम्मेदारियां इंसानों पे होती है। बट वही बोलते कि नसीब और अमल जो अपने एक्शंस है ना, मुझे लगता है कि यार मेहनत सभी करते हो, आपने कुछ कम नहीं देखा होगा, यहाँ पर बैठे सब लोग ने कुछ ना कुछ देखा होगा, बट आई बिलीव ये थोड़ी हार्ड वर्क से थोड़ी अलग चीज़ बोलने जा रहा हूँ मैं,
कि हार्ड वर्क तो डेफिनेटली वहाँ है, नसीब बहुत काम करता है, आपका लक भी बहुत काम करता है, लेकिन साथ साथ में आपके जो एक्शंस हैं ना, आपके अमल, वो बहुत इम्पॉर्टेंस है कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, आप आसपास के लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है आपका, या आप क्या करते हो चीज़ें। तो ये सारे एक्शंस जो है ना, वो आपको एक इंसान बनाते हैं। वो इंसान अगर आप बन गए ना, तो आप हर चीज़ में सेटिस्फाइड होना भी सीख जाओगे, और आप हर चीज़ को अचीव करने के जो गोल है, जो मेहनत है, उसमें भी फोकस हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी रही है, अगर लोगों को उससे इंस्पायर होना है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, काम करते रहो, नसीब तुम्हारे भी काम करेंगे, प्रे करते रहो, और जो अमल है, आपके एक्शंस है, वो बेटर कर लो बस। ग्रेट। हाय मुनव्वर, विशालिया। मुनव्वर, आपके नाम के पीछे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सचिन तेंदुलकर जी का विकेट है, सो वो कितना कॉन्फिडेंस देगा आपको ECL में, अगर आप बताना चाहो। देखो, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट यहाँ पे कोई भी कमज़ोर नहीं है, सारे खिलाड़ी सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं। एल्विश की मैं बात करूँ तो ऐसी एक एल्विश के नाम पे भी अचीवमेंट है। हाँ, एल्विश ने भी मेरा विकेट लिया था। यस, बट एल्विश के नाम पे एक और अचीवमेंट है, सबसे ज़्यादा गेंदे फेंकने का उस दिन। हाँ, नहीं, उसने बोला था, उसका इंजरी था, बट फिर भी उसने बॉलिंग किया था। बट यही है कि अचीवमेंट जो है, वो बोलते ना, अभी जैसे मैंने कहा उनके आंसर में जवाब दिया कि हार्ड वर्किंग इज देयर, है मेहनत, बट नसीब ना। सचिन का विकेट लेने के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, सचिन का विकेट ऐसी सुबह उठ के जाके नहीं ले सकते। तो मैंने जब सचिन तेंदुलकर सर को आउट किया, तो मुझे पता था कि ये मेरे नसीब है, मेरा स्किल नहीं था उधर। तो नसीब भी काम करता है। और रही बात क्रिकेट की, तो बस एक और ट्रॉफी ढूंढी जा रही है। क्या बात है। अभिषेक जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आप बैंगलोर टीम के कैप्टन हो, राइट? यस यस। और IPL में कभी बैंगलोर टीम जीती नहीं है, वुमेन्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ, तो कितना प्रेशर बन जाता है जब बैंगलोर टीम के कैप्टन? सॉरी विशाल, IPL में RCB नहीं जीती है, बैंगलोर नहीं जीती है, अंडरस्टैंड। वैसे इसको भी रनर अप रहने की आदत है। सो अभिषेक, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि ECL में वोटिंग नहीं है, तो इस बार हम जीत ही जाएंगे। क्या बात है, थैंक यू। या हाय, माय क्वेश्चन इज टू ऑल द कैप्टन्स ऑफ द टीम, हाउ मच दे हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फॉर दिस क्रिकेट लीग एंड द टीम आल्सो, कितना आपने प्रिपरेशन किया हुआ है? आई फील मेंटली तो हम सारे प्रिपेयर्ड है, बट फिजिकली अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है थोड़ा। अभी सोशल मीडिया की लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि एक्टिविटीज़ हम बहुत कम करते हैं, तो अभी जब से क्रिकेट खेलना चालू करा है, मुझे ऐसा लगता है रोज़ सुबह नए शरीर में, किसी अंग में नए दर्द होती है, तो फिजिकली अभी प्रिपेयर होना, मुझे लगता है 2 महीने लगेंगे हमारे को प्रिपेयर होने में। राइट, एक्टिविटीज़ और लाइफस्टाइल वैसे हो जाता है कि रात में लेट तक, मेरा तो राइटिंग वाइज वाला काम है, तो दिन में तो नहीं कभी लिख पाता, शाम में लिखता हूँ, रात में लेट तक चलता है। तो फिजिकली नहीं इतने फिट के क्रिकेट वैसा वाला खेल ले, बट यस, हम लोग इनफ जिंदा बाहर आ सकते हैं मैदान से, उतने फिजिकली फिट है। और रही बात मेंटली फिट की, तो मेंटली तो बहुत फिट है। देखो, मेंटली तो कौन ही फिट रहता आजकल। टॉक फॉर योरसेल्फ ब्रो। फिजिकली तो है, मेंटली में अभी थोड़ा टाइम है, उसके बाद जब हो जाएंगे फिर खेलेंगे, तो उस हिसाब से मैं रखवाऊंगा ये डेट्स। हेलो, या आई हैव अ क्वेश्चन विद फाउंडर्स आल्सो, कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके जहन में आया, और इसके बारे में इसको आगे कहाँ तक लेके जाएंगे आप? ये जो टेनिस क्रिकेट है, इंडिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, तो कॉन्सेप्ट तो वहाँ से है कि टेनिस क्रिकेट एक बहुत अच्छा मुकाम चूरा है, SBL भी हुआ, काफ़ी अच्छा चला, तो टेनिस क्रिकेट तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी जब हमारे पास हमारे फ्रेंड्स का अच्छा खासा मोटिवेशन आया कि ये लीग होनी चाहिए, तो उसके बाद हमें समझ आया कि ये लीग बहुत बड़ी बनने वाली है। अब देखिए कितना बड़ा जाता है, वी आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग, अब वो कितना बड़ा जाएगा वो डिपेंड करेगा पहले सीजन पे, बट वी आर कमिंग विथ लॉट ऑफ सीजन्स, तो ये है कन्फर्म। हेलो, दिस इज विनय, आप लोगों से सब कैप्टन से जानना चाहूँगा, क्योंकि कॉन्टेंट क्रिएशन का जो फील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है,
और आप लोग तो एक ऐसे स्टेज पे हो कि आप लोग अपने आप के ही कॉम्पिटिशन हो, तो वो कॉम्पिटिशन फील्ड पे कितना देखने को मिलेगा? और जब आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट एक ऐसा गेम है, क्रिकेट के फील्ड पे जो अंपायर होता है उसके साथ साथ जो घर बैठी है ऑडियंस वो भी अंपायर हो जाती है, तो उससे आप लोगों को काफ़ी जज करते हैं, प्यार मिलते, हेट्स मिलते, तो उस चीज़ को लेकर भी कितने रेडी हो आप? फुल रेडी है भाई, फुल एकदम। हेट की आदत पड़ रखी है, कितनी हेट दे लो, ठीक है? तो देखो यार, ग्राउंड पे जो होगा वो तो तब की तब देखी जाएगी, जिस जिस टीम में ज़्यादा स्किल्स हुई, जिसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी हुई वो जीत जाएगा, एज सिंपल इज दैट। कॉम्पिटिशन डेफिनेटली यहाँ पे कॉम्पिटिशन है हम लोग एक दूसरे को, और बहुत नेक्स्ट लेवल कॉम्पिटिशन होने वाला है आई एम श्योर। बाहर की ज़िंदगी में हम कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, बहुत अलग डिफरेंट ऑडियंस को केटर करते हैं, डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। डेली व्लॉग्स बनाना इट्स नॉट ए ईजी जॉब, लोगों को स्टेज पे हंसाना नॉट ए ईजी जॉब। फुकरा क्या करता है भाई तू? ही इज मेकिंग म्यूजिक, ही इज मेकिंग व्लॉग्स, स्ट्रीमिंग बहुत सारा कॉन्टेंट, और वो वाले गेम शोज, इट टुक्स बहुत मेहनत लगती है गेम शो प्लान करने में, उसको शूट करना सबसे ज़्यादा मेहनत, और सबसे बड़ा काम है एडिटिंग। तो जब मैं फुकरा के भी वीडियो देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि भाई एडिटिंग में जो दिमाग इसका जाता होगा सबसे ज़्यादा जाता होगा, राइट? यप। तो डिफरेंट चीज़ें कैटर कर रहे हैं, तो एक दूसरे का वैसे कॉम्पिटिशन नहीं है, बट अगर एक दूसरे कहीं जमा हो गए कि यहाँ से कुछ जीत के लेके जाना है, तब डेफिनेटली कॉम्पिटिशन है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि बहुत तगड़े सारे कॉम्पिटिशन है। मुनावर, अभिषेक एंड एल्विश, मेरा सवाल आपसे, आपके सभी जो फैंस हैं, बहुत यंगस्टर्स फैन है मैंने देखा है, चाहे आप हरियाणा की अगर हम बात करें, फेस्ट में काफ़ी फैंस आपके आए थे वहाँ पर, मुनावर की तो जानते ही और अभिषेक की तो ऑनलाइन हमने देखा ही है। मेरा सवाल, क्योंकि आपके जो फैंस है काफ़ी यंगस्टर्स हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट नीट एग्ज़ाम काफ़ी हुआ है, लीक हुआ है, पेपर लीक, नीट एग्ज़ाम डॉक्टर्स के एग्जाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि FIR रजिस्टर हुई है बिहार में, गुनहगार पकड़े गए हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, पेपर लीक हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है, आपका क्या है इसके ऊपर टेक? दिस इज नॉट रिलेटेड टू ECL, आई वुड रिक्वेस्ट, नो बट देन आई ऑलरेडी, एल्विश एल्विश प्लीज, नो नो, बिकॉज़ दिस इज मुनावर, नो यंगस्टर्स के बारे में, ओके ओके, डेफिनेटली मैंने इस बारे में लिखा, मैम इट्स ओके, पूछ लिया तो ठीक। मैंने डेफिनेटली इसके बारे में फर्स्ट डे, सेकंड डे जब हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स थे उसके सेम डे पे वो भी रिजल्ट्स आए थे, एंड सेकंड डे जब मैंने पढ़ा, मैंने और चेक किया क्या प्रॉब्लम है और किस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम मार्क्स आए सेम सेंटर से, देन आई रियलाइज कि ओके कुछ तो लफड़ा है वहाँ पे, और इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ये स्टूडेंट्स की भी मांग है और हर इंसान की होनी चाहिए, बिकॉज जब पढ़ाई कराने में माँ बाप को कितना मेहनत लगता है, पैसा लगता है, वो हम सब जानते हैं, और सेम टाइम स्टूडेंट्स लोग की मेहनत कितनी होती है वो भी जानते हैं। सो आई एम होपिंग कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे जल्द से जल्द काम करे, एंड जहाँ तक मैंने पढ़ा है द वर्क इज़ गोइंग ऑन। एल्विश आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो वीडियोज़ बनाते हैं, वायरल होते हैं काफ़ी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट नॉट रेडी टू लिसन, मतलब फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करते हैं तो सुनते ही नहीं है गवर्नमेंट, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने बोला ना मैं वीडियो बनाता हूं, मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, गाइस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आस्क द क्वेश्चन। अभिषेक आप कुछ कहना चाहेंगे? आई फील अभी इसका एक्चुअली मैं काफी ज्यादा फॉलो कर रहा था इस चीज को, एंड हमने काफी ज्यादा पोस्ट भी करे थे इसके रिलेटेड कि नीट एग्जाम, मतलब दिस इज आई थिंक सबसे बड़ा सिन आई फील कि एग्ज़ाम का पेपर लीक होना, बिकॉज मतलब देयर लॉट ऑफ पीपल जिनको मैंने जिनकी मैंने केस स्टडीज़ भी पढ़ी, जो चौथी पांचवी बार भी पेपर दे रहे थे, एंड जब वो उनको पता चलता है कि यार मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, और किसी के पास एक दिन पहले या दो दिन पहले पेपर आ रहा है, या फिर कोई एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हुआ है और उसको पेपर के आंसर्स बताया जा रहा है जस्ट बिकॉज ही पेड फॉर इट, सो ऑब्वियसली आई फील कि दैट्स टू बैड फॉर आवर कंट्री, क्योंकि आगे जाके अगर आप देखो इस चीज़ को तो मतलब आपको जब अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो और आपको पता चलता है कि भाई ये तो पेपर लीक से आया हुआ है, तो
मतलब तुम कोई उससे ट्रीटमेंट नहीं कराएगा भाई, तो ये हमारे देश के लिए मतलब बहुत गलत चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक है, एंड जितनी जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए वो बेटर है। अभी रिसेंटली जिनको ग्रेस मार्क्स दिए थे उनका री नीट का भी डेट आ चुका है, एंड बट आई स्टिल फील कि दिस इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी अवॉइडेड, और इसके लिए स्ट्रिक्ट जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और एक्शंस लिए जा सकते हैं वो लिए जाने चाहिए, क्योंकि मतलब दिस इज़ डेफिनेटली नॉट राइट। दैट्स व्हाट आई फील। हाय, दिस इज़ मेघना हियर फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। मेरा सवाल आप चारों के कैप्टन से है कि अपने बिजी शेड्यूल में से खुद की फिटनेस के लिए कैसे ध्यान देते, क्योंकि क्रिकेट इज इक्वल टू फिटनेस एंड इंटरनेशनल योगा डे भी आ रहा है, तो गाइज यू वांट टू शेयर समथिंग। कुकरे के घर में तो जिम है, मेरे को पता है। इसने तो घर में जिम स्विमिंग पूल सब बना के रखा है। मैं फिटनेस पे आजकल काफ़ी ध्यान दे रहा हूँ रात तक, क्योंकि दिन में मैं जिम जाता हूँ, फिर पूल जाता हूँ, स्टीम करता हूँ घर में, उसके बाद रात को हिमांशु भाई मेरे को पिज़्ज़ा खिलाने लेके चले जाते हैं, तो वहाँ मेरा फिटनेस थोड़ा लैक हो जाता है, नहीं तो मैं काफ़ी फिट हूँ मुझे ऐसा लगता है। बट सबको फिट रहना चाहिए। नहीं, मैं अभी शर्ट टाइट करूँ तो फट जाएगी, तो मैं फ्लेक्स नहीं करना चाहूँगा। फिटनेस का ऐसा सीन है कि भगवान की दया से सब चीज़ ठीक है। मैं पहले जिम जाता था तो उन्होंने कमर में दिक्कत कर दी, तो अब जिम मैंने छोड़ दी, क्रिकेट में खेलता हूँ रात को, तो उसी से बैलेंस हो जाता है मेरा काम का लोड और स्ट्रेस जो निकालता हूँ मैं उधर। चलो, एक कैप्टन का कमर का इशू पता चल गया। बाउंसर नहीं खेल पाएगा। चलो, तो फिजिकली मैं बोलूँगा मैं उतना फिट हूँ कि मैं पूरा दिन क्रिकेट खेल सकता हूँ। लाइक आदत रही है, ये रही है, और ट्रैवल भी आदत रही है। वॉक करने का मेरा रोज़ का वॉकिंग शेड्यूल बहुत अच्छा है कि मैं अच्छा खासा वॉक कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उतना फिट हूँ कि मैं पूरा दिन क्रिकेट खेल सकता हूँ। थैंक यू मैम। हम लोग इतने फिट हैं कि हमने कॉस्को की बॉल से रखा है इसीलिए, और वो ग्राउंड भी बहुत छोटा है कि बॉल जाए तो हम भाग के उठा सकें। उस लेवल की फिटनेस तो है, उतनी बहुत है ना। ओके गाइज, एनी अदर क्वेश्चन? या हाय, दिस इज समीरा फ्रॉम टेलीग्राम। मुनव्वर, आपसे और एल्विश से ये जानना चाहेंगे, आप लोगों ने पहले भी ECL खेला है, जब आप दोनों में भले ही कंपटीशन नहीं है या आप दोनों में रिवेंज नहीं आप लोग लेते हो, बट आपके फैंस ट्विटर पर इस तरह से एक दूसरे को लेकर रिवेंज लेते हैं, इस बार क्या कहना चाहूँगी? एक वीडियो लीक हुआ था, आई विल नॉट से कि लीक हुआ था, वो आपने खुद ने ही शूट किया था, और वहाँ से एल्विश आ रहे थे, आपसे हाथ मिला रहे थे, तो आपके फैंस बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे एल्विश इस चीज़ को लेकर कि आप आके मुनव्वर से हाथ मिला रहे हो। अब ये फैंस के रिवेंज पर आप दोनों क्या कहना चाहोगे? क्या एल्विश आप दोनों के बाद फुकरा इंसान भी आने वाले इसी चीज में? गाइस, कैन वी मूव ऑन फ्रॉम दिस क्वेश्चन प्लीज? दिस इज नॉट अबाउट रिलेटेड टू ECL ओनली, बिकॉज़ नॉट रिलेटेड टू ISPL, तो ISPL सीजन ऑफ द ECL, दिस इज द फर्स्ट सीजन ऑफ ECL, सो योर क्वेश्चन इज यस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फैंस, बट दैट आई बिलीव के फैंस जो है प्यार करते हैं, अपने कंटेंट क्रिएटर्स हो, उनके स्टार्स हो, कोई भी स्टार हो, जैसे भी हो, फैंस प्यार करते हैं, और फैंस के बीच में कंपटीशन चलता है, वो एक बहुत क्लियर चीज़ है। हम खान्स को देख ले, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उनके फैंस भी आपस में कभी कभी भिड़ जाते हैं, अक्षय कुमार के फैंस भिड़ जाते हैं, ये तो कहीं ना कहीं ये एक हम एज अ जनता भी ना, इंडियन टीम ही देख लो आप, अगर IPL भी होता है तो एक मुंबई इंडियंस, RCB के जो फैंस है वो आपस में लड़ते हैं, राइट, और फिर साथ में रोहित शर्मा एंड कोहली ओपन कर रहे हैं, तो इस तरह की एक जब कंपटीशन होता है तो दोनों साइड से एक फैंस का थोड़ा बहुत रहता है, चलता है, बट ठीक है, टाइम के साथ चीज़ें बेहतर होती है, एंड लाइक वी आर हियर टू फॉर पीस, लाइक हम उन्हें भी यही कहेंगे कि यार, और हम चाहते हैं कि प्यार बांटो आप, अच्छी लैंग्वेज कॉम्पिटिशन बहुत जरूरी है, और कॉम्पिटिशन है तो क्या है। एल्विश, आपके फैंस को क्या कहना चाहूँगा? मैं मेरे फैंस को नहीं, मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी बांटो, सिर्फ पॉजिटिव रहो। तो नेगेटिव करते ही नहीं है, आप ही की तरफ से सब। मुझे आजकल दिखना बंद हो गया नेगेटिव ना, सिर्फ पॉजिटिव दिखता है, देखो अभी दिख नहीं रहे आप। गाइस, लास्ट क्वेश्चन प्लीज, एंड देन वी स्टार्ट टू जनता भाई। एनीबॉडी? थैंक्स। Hi, one last question for Elvish.
एलविश, अगर आपकी टीम जीते एक मैच तो सेलिब्रेशन में नागिन डांस होगा या फिर आप नाचेंगे क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी पे? मैं आपके साथ नाचूंगा जिस पे भी नाचूंगा। अगर आप साथ में नाचोगे तो आप दूध लेके आना, हम कुछ और लेके आएंगे। ओके, थैंक यू। Okay guys, I think we are done with the questions. So now we have another exercise, a small, like the bats, the miniature bats. So we will be getting that on stage and this ceremony. So I would request all the photographers, yeah, so to come ahead and click the pictures. One by one, we will be doing that for, with all the captains. अगर क्रिकेट के बारे में बात करता है तो उसको पता है कि उसके लिए क्रिकेट क्या है। सबने क्रिकेट देखा है, खेला है, क्रिकेटर्स पसंद है, हमने बहुत इंस्पायर हुए सबको देखा है बड़े होते हुए। एंड खेलने का भी बहुत शौक है, खेला भी है, और कहीं ना कहीं कहते ना कि नहीं, ऐसा लगने लगा था कि भाई नहीं क्रिकेट तो नहीं हो पाएगा, तो टाइम वेस्ट लगा एक टाइम में, बट अभी एक्साइटमेंट भी है इस तरह खेलने मिलने वाला है क्रिकेट। और जिस तरह का ये ECL है, जिस तरह के कैप्टन्स है, जिस तरह का प्रमोशन प्रोग्रामिंग होने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खेलने के लिए, और बस लुकिंग फॉरवर्ड।
मुनव्वर एक क्रिएटर के नाम से आपको यहाँ पर लिया गया है, जबकि आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, आपकी जो मेन छाप है उसको हटाकर एक क्रिएटर के नाम से यहाँ पर लिया गया है। और सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, यू नो अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आप शायद से इतना फेमस नहीं होते। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली सोशल मीडिया को श्रेय देंगे, क्योंकि हम लोग जैसे बाकी लोग पहले जो फेमस होते थे कोई मूवी से होता था ये वो, तब सोशल मीडिया नहीं था, एक अलग माध्यम होता था। जब सोशल मीडिया जब से है और एज अ प्लेटफॉर्म, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब आर्ट फॉर्म दिखाने के लिए आपको मिले, तब ऑडियंस ने भी कंज्यूम करना शुरू हुआ। पहले पता था कि हम सिर्फ थिएटर में आते थे या घर पे टीवी देखते थे, ये दो ही माध्यम होते थे, मीडियम ही ये दो थे एंटरटेनमेंट के। फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन आया, फ़ोन में हैंडी एंटरटेनमेंट आने लगा, इसी तरह वो ग्रो होते लगा और इसी तरह ग्रो होता है। अब ये नहीं होता तो वो नहीं होता, कैमरा नहीं होता तो तुम अभी इंटरव्यू कैसा लेते, समझ रहे हो? क्या अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो तुम वायरल नहीं हुए होते? ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें ग्रो है, वो बोलते हैं ना प्रकृति का नियम, तो काइंड ऑफ वैसे भी चलता है साइंस में। एंड रही बात छाप हटाने की, स्टैंड अप कॉमेडियन भी जो होता है वो क्रिएट ही करता है कुछ, तो क्रिएटर आई थिंक यस यस डेफिनेटली, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक क्रिएट करना ही होता है। और रही बात स्टैंड अप कॉमेडियन की, तो मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ ये सब जानते हैं, जैसे आप जानते हो कि यार आप हो तो स्टैंड अप कॉमेडियन, तो साइड साइड में मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, जैसे म्यूज़िक बना लेता हूँ, व्लॉग कभी कभी बना लेता हूँ, कभी कभी सचिन तेंदुलकर सर का विकेट लेके आ जाता हूँ, तो ये मैं साइड वाइड में ये सब चीज़ें करता हूँ, विच इज़ हेल्पिंग मी इन एवरीथिंग, कि मुझे और ऑडियंस तक पहुँचने का मौका मिल रहा है। और इस तरह क्रिकेट देखने का खेलने का मौका अगर मिले तो अपनी स्टैंड अप कॉमेडियन वाली छाप थोड़े टाइम के लिए अगर लोग हटा दे तो बेटर होगा, क्योंकि अगर मैं फील्ड पे हूँ और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे एज अ क्रिकेटर बहुत सीरियसली देखें उस वक्त के लिए। फिर तो अपन जब माइक हाथ में आएगा तो कर देंगे एक दो जोक। मैम काम होता है जो कि अभी मैं ऐसे काम ये करने वाला हूँ, और मैं जब भी कोई काम लेता हूँ तो बहुत शिद्दत से करता हूँ। और रही बात टाइम निकालने की, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें मुझे लगता है यार बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। और तो मुझे लगता है प्रैक्टिस की ज़रूरत है नहीं जितना मैंने क्रिकेट खेला है लाइफ में, बट मैं डेफिनेटली वार्म अप करूँगा मैच स्टार्ट होने से पहले, दो चार दिन वार्म अप ज़रूर करूँगा ताकि बहुत बुरी तरह हार सके लोग, हारेंगे तो कन्फर्म है। मुनव्वर इस बार की फिटनेस पे ध्यान देखो, मेरे हिसाब से योगा डे आ रहा है, वर्कआउट करना चाहिए करो, लेकिन खाने पीने का डाइट मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा जिंदगी में। खाया पिया नहीं तो क्या किया भाई, खाओ पियो चाहिए तो वर्कआउट एक्स्ट्रा कर लो, बट खाओ पियो सब कुछ। मुनव्वर इस बार की ईद काफ़ी स्पेशल थी आपके लिए, डेफिनेटली भाई बताना चाहोगे? ईद हमेशा स्पेशल होती है, ईद एक दिन ही ऐसा है जो स्पेशल होता है, सो मेरी ईद हमेशा स्पेशल होती है। गौरव तनीजा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो क्रिकेट भी बहुत खेलते हैं, वो तो मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद उनका नाम होगा। बाकी मेरे हिसाब से अभी तक जो कैप्टन्स हैं, आई मीन बहुत ज़बरदस्त कैप्टन्स हैं, मतलब आप अगर इन सबको लेकर आ गए हो ECL बनाने के लिए तो डेफिनेटली जो मेकर्स हैं उनके दिमाग में बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। और आई थिंक जब भी ECL लोगों के ऑडियंस के लिए जब भी नाम आएगा तो उनके लिए एंटरटेनमेंट दिमाग में पहला आएगा कि भाई बहुत मज़ा आया था, देखा था मज़ा था। कुछ नहीं, काम करने आया है, क्रिकेट खेलेंगे, बढ़िया से एंटरटेन करेंगे लोगों को, उसका काम है लोगों को एंटरटेन करना, मेरा भी काम लोगों को एंटरटेन करना है। हम दो ऑफ कोर्स यार रोज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, तो हम दोनों अपना काम कर रहे हैं और हम दोनों क्रिकेट भी खेलेंगे, एक्साइटेड है, साथ में खेलेंगे, लोगों को एंटरटेन करेंगे और जीत के जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सब कलर आपकी टीम के बारे में, आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में, अलग अलग कॉम्पिटिटर्स के बारे में।
देखो टीम में डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कॉम्पिटिटर साहब ने देख लिया कि टीम कैप्टन कौन है, सारे काफ़ी अच्छे हैं, सारे अपने भाई हैं, पर देखो अब उनको हारने से तो कौन ही बचा सकता। देखो मैं खुद से ये सोच के नहीं करता कि हंगामा होगा, वो मेरे दोस्त यार इतने अच्छे हैं, मेरे सपोर्टर्स इतने प्यारे हैं कि वो उस चीज़ को बड़ा बना देते हैं। और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी स्टार, अभी तक फील नहीं आई थी, अब आ गई। नहीं अभी अभी शेड्यूल नहीं आया मैचेस का कि कैसे कैसे डेट्स होंगे, उस हिसाब से आई विल मैनेज। अगर साथ में हुए तो मैं यहीं पे रहूँगा, और अलग अलग हुए तो फिर मैं वापस जाऊँगा। अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ूँगा मैं, और उसके बाद कर रहे हैं अभी पूरा ना फिजिकली फिट होने का, कि सुबह 40-40 किलोमीटर दौड़ना और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत मुश्किल है भाई। तुम पे बड़े टेढ़े सवाल है यार। नहीं मैं कंग्रेचुलेशंस बोलूँगा कंगना जी को, और जैसा आपने बोला लॉकअप का, देखो अपॉर्चुनिटी कोई मिस नहीं करता, जो अपॉर्चुनिटी आ जाए जो अच्छी लगे भाई सब करेंगे यार, पॉजिटिव नोट पे। नहीं यार ये देखो पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है, और जितना सोशल मीडिया पे चलता है, सोशल मीडिया पे प्यार इतना है, मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोगों को मैं बोलूँ कि पॉजिटिविटी फैलाओ और जितना अच्छा कर सको अपनी लाइफ में उतना अच्छा करो। भाई सब देखने को मिल जाएगा यार, उस चीज़ का वेट करो, अभी से कैसे बता दूँ मैं सारी चीज़ें। भाई योगा करके करो भाई ठीक अपने आप। ACL का जाग नाम जब भी लोगों के मन में आएगा तो सारे कैप्टन्स का नाम अपने आप ही आ जाएगा, तो आपके हिसाब से जितने कैप्टन्स अभी हैं वो डिजर्विंग है कि आपके अलावा कोई और? डिजर्विंग वाला क्वेश्चन अभिषेक भाई से पूछो। थैंक यू। मैं माँ बाप को देना चाहूँगा, उन्हें पैदा करा भाई, नहीं पैदा होता तो देखो कैसे मैं सक्सेसफुल होता। थैंक यू थैंक यू। जय श्री राम। क्या करना है अभी, फैन बाइट देनी है? अभिषेक सबसे पहले बैंगलोर टीम को लीड कर रहे हो एंड आपका प्यार टुवर्ड्स क्रिकेट एंड प्यार टुवर्ड्स प्लेयर हमें पता है, सो कितना गर्व फील कर रहे हो? आई फील इट्स द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंगलोर, ये मुझे ऐसा लगता है कि बैंगलोर लेके हमने सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू सी बैंगलोर विनिंग, और बैंगलोर और मेरे में दो एक चीज़ बहुत कॉमन है, हम कभी फर्स्ट नहीं आए, तो इस बार हम कोशिश करेंगे वो वाला रिकॉर्ड हम तोड़ दें। के फैंस चाहेंगे क्योंकि ट्रॉफी काफी नजदीक आती फिर चली जाती है, दोनों टीमों के साथ ऐसे ही होता है? हो जाता है बैंगलोर के साथ, तभी तो बैंगलोर लिया है क्योंकि हम रेजोनेट कर पा रहे हैं बैंगलोर से, बट आई होप दिस टाइम वी एंड द स्ट्रीक और इस बार हम अच्छा टीम लेके जाए, और इस साला कप नाम दे सारे स्पैम कर देना, इस बार हम एक्चुअली सच में जीतने जाएंगे, और अगर हम जीत गए तो हम पार्टी करेंगे। ठीक है अभिषेक, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कितना प्रेशर है, बिकॉज़ आप टीम जो हो बड़े दिग्गज हो, भले ही हर्ष यहां पर नहीं है और अनुराग नहीं है यहां पर, लेकिन आप टीम बड़े ही दिग्गज हो और फैंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आप लोगों से, क्या कहना चाहोगे? अब मुझे ऐसा लगता है कि देखो माहौल तो होने वाला है, मतलब पिच पे एकदम गर्मा गर्मी का माहौल होगा, सब चाहेंगे कि वो जीते, और आई फील इट्स लाइक वी हैव नथिंग टू लूज, मज़ा तो आएगा खेलने में, और फैंस देखो फैंस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम सबसे, और मुझे ऐसा लगता है कि वट एवर इट इज़ वी आर, वो एक छोटा सा डायलॉग है, सोल्जर्स ऑन फील्ड ब्रदर्स ऑफ फील्ड,
तो हम सब में बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसा नहीं है कि हम किसी से हम लड़ रहे हैं आपस में, एक्चुअली हम जब भी मिलते हैं सब एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं। बट हाँ, फैंस की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई तुम जीतो तुम जीतो तुम जीतो, तो इट्स गोना बी फन। और वैसे भी इस बार वोटिंग नहीं है, इस बार आपको खुद खेलना है, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे हमें अपने पूरा भरोसा रहे, हमेशा से परफॉर्मेंस हमारी हमेशा ही अच्छी रही है। वर्ल्ड कप में इंडिया टीम सबसे अच्छा कर रही है, आई होप इस बार वर्ल्ड कप इंडिया ही जीते। और बस मैं 24 जून को जो हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, मैं चाहता हूँ इस बार ट्रेविस हेड को 0 पे आउट कर दो और इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया को 10 रन पे ऑल आउट कर दे और पहले ही ओवर में जीत जाए। वोटिंग की आपने जिक्र किया, आपके करीबी दोस्त ध्रुव ने काफी कोशिश की बीजेपी के अगेंस्ट बोलने की, बट एट द एंड बीजेपी की सरकार आई, सो क्या कहना चाहोगे? और काफी वो प्रोपेगेंडा चला रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सब चल रहा है, हमें ECL पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ECL में ध्रुव राठी नहीं है, ECL में हम सारे हैं, और तुम्हारे को फोकस करना चाहिए ECL के क्रिकेट पे। मेरे तो सभी दोस्त हैं, अब दोनों अब क्या कर सकते हैं, दोनों लड़ रहे हैं। मैं भाई सपोर्ट करता हूँ इंडिया को, और मुझे लगता है हमारा देश चलना चाहिए। सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, पर देश चलना चाहिए। इंटरनेशनल योगा डे के लिए मैंने अभी एक चीज़ बोली थी कि देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट योगा। हम लोग, मेरे को नहीं पता आप लोग कितना योगा करते हो, बट मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा योगा करती है, और मतलब वो मेरे को एक्चुअली बताती है कि कितने सारे चेंजेस लाइफ में उनके होते हैं, और योगा एंड मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सबको करना चाहिए। मैं पर्सनली बहुत लेट सोता हूँ और लेट उठता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं योगा जब भी करता हूँ मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है, बट ये मेरी बहुत बुरी आदत है जो मैं इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पा रहा अभी, बट देयर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ योगा मेडिटेशन। और आप लोग भी जो देख रहे हो, आप लोग को आपने भी क्वेश्चन पूछ लिया, आप कर नहीं रहोगे योगा, मुझे पता है करते हो, रहेगा झूठ मत बोलो, फिर अच्छी बात है, सबको करना चाहिए और एक्चुअली करना चाहिए। योगा मेडिटेशन करोगे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होगी। टीम कुछ नहीं है, बस मैं सबको जिसको जो जो कहेगा मेरे को खेलना है, मैं उसको बोलूँगा आ जाओ मेरे साथ खेलने, जो मेरी बॉल पे छक्का मारेगा उसको मैं टीम में ले लूँगा, जो नहीं मार पाएगा उसको मैं हटा दूंगा, और जिसकी बॉल पे मैं छक्का मार दूंगा उसको मैं अपनी टीम में लूँगा कि उसको बॉलिंग ना दे। मैं यार देखो मेरे दो फेवरेट्स हमेशा, मतलब ऑब्वियसली MS धोनी ने रिटायरमेंट ले ली, बट उसके बाद इट्स ऑलवेज बीन लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, दे बोथ आर माई फेवरेट, दे आर द पिलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ विराट कोहली को नंबर अभी 3 पे भेजो, क्योंकि विराट कोहली भाई अभी ओपनिंग मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं करानी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दोनों पिलर्स हैं हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के, तो वो दोनों बने रहने चाहिए तभी वर्ल्ड कप जीतेंगे। यार मुझे ऐसा लगता है यहाँ वहाँ ये जो पिचेस हैं बहुत अलग हैं यहाँ पर ना, बस USA मत खिलाओ भाई, न्यूयॉर्क में नहीं खेलना। मुझे ऐसा लगता है निश्चय को और 3-4 अवार्ड मिलने चाहिए गवर्नमेंट से, क्योंकि जिस तरीके का वो इंसान है उसको फॉर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट हम्बलेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, उसको उसका भी अवार्ड मिलना चाहिए। एलजी के कैप्टन जब से नाम पता चला है लोगों को, और भी जब पता चलेगा एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाएगी, तो आपके हिसाब से ये कैप्टन डिजर्विंग है कि इनके अलावा कोई और नाम? नहीं नहीं, मैं तो चाहता था कि ये तो ऑब्वियसली डिजर्विंग है, मैं तो चाहता था भुवन बाम को भी लेकर आया जाए और वो भी क्रिकेट खेले, और आशीष चंचलानी भी क्रिकेट खेले, कैरी मिनाटी भी क्रिकेट खेले, मैं तो चाहता हूँ सब क्रिकेट खेले। मैं कहूँगा झकास। कौन एजेंसी का बात कर रहे देखो अभी हमारा गाना आ रहा है टोनी कक्कड़ के साथ 20 तारीख को, उसमें मैंने भी गाया है और टोनी कक्कड़ ने भी गाया है, तो इट्स अ म्यूजिक कोलैब। अरे लड़ो मत भाई, प्यार से रहो। देखो हमारा गाना आ रहा है, हमारा ये ऐसे सवाल, गुड बॉय है तू, क्यूटी, ये क्वेश्चन पूछा कर। 20 तारीख को हमारा गाना आ रहा है टोनी कक्कड़ के साथ, जिसका नाम है शिकायत, और उस गाने में हमारा सिंगिंग कोलैबोरेशन है,
तो मैं टोनी भैया के साथ गाना गा रहा हूँ तो वो सब जाके सुनना, उसके बाद हमारा फेक लव आएगा मलहन रिकॉर्ड्स पे, उसके बाद हमारा एक गाना और आएगा OSM रिकॉर्ड्स पे, तो तीन गाने आने वाले बैक टू बैक, और वेब सीरीज की बात बहुत जल्दी होगी। चलो लाइस लेट्स गो।